अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भजन नहीं सुनाऊंगी, आज मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। आप लोग मुझे रोज़ देखते हो तो इतना तो जानने का हक है ना आपको कि मैं कौन हूँ और कहाँ रहती हूँ, मैं क्या हूँ, सब मैं आपको आज बताती हूँ। प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा ये वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग से यही विनती है। चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मेरा नाम सोनी सिंह है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और मेरी एक बेटी है जिसको आप रोज़ देखते हैं डांस के थ्रू। मेरा वीडियो भी वही शूट करती है। कभी कभी अगर जैसे पढ़ाई कर रही है चाहे कहीं गई है तो मैं खुद कर लेती हूँ, नहीं तो वही करती है मेरा वीडियो। कुकिंग का हुआ, भजन का हुआ, सब कुछ वही करती है। और वो 5th क्लास में पढ़ती है, उसको डांस का बहुत शौक है। उसके अलावा उसकी और भी हॉबीज़ हैं जैसे ड्राइंग बनाना, क्राफ्ट बनाना, उसको मैथ्स पढ़ने में बहुत मन लगता है उसका, और उसको इंग्लिश भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैथ्स उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरी बेटी थोड़ी शांत तो है पर थोड़ी चुलबुली भी है, चुलबुली के साथ साथ थोड़ी शैतानियाँ भी करती है। देखते हैं थोड़ी बहुत, कभी कभी मेरे वीडियोस हिल जाते हैं तो मेरी बेटी शैतानी करते करते वीडियोस मेरा थोड़ा बहुत हिला देती है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे उन्होंने मुझे रोका नहीं, उनके सपोर्ट से ही मैंने ये चैनल खोला है, घर संसार ऑलराउंडर ब्लॉगर। उन्होंने ही नाम दिया कि नहीं तुम इस नाम से खोलो, जो तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत जो भी है टैलेंट वो उभर कर आएगा। ऑलराउंडर मैं घर संसार ऑलराउंडर मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं हर चीज़ दिखा सकूँ। भजन का डालती, केवल ब्लॉग करती तो मुझे केवल उतना ही सीमित रहना पड़ता। ऑलराउंडर मैंने इसलिए रखा कि मैं उसमें कुकिंग का भी थोड़ा बहुत डाल सकूँ, मेरी बेटी का डांस भी डाल सकूँ, जो भी मेरे अंदर मेरी बेटी के अंदर टैलेंट है वो मैं आप सबको दिखा सकूँ। इसलिए मैंने घर संसार ऑलराउंडर ब्लॉग रखा। पे सर्च कर मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं कहाँ रहती हूँ ये मैं आज आपको बताती हूँ। मैं बॉम्बे महाराष्ट्र में रहती हूँ। बॉम्बे में महाराष्ट्र में एक छोटी सी जगह है कल्याण, मैं उधर रहती हूँ। प्रॉपर तो एड्रेस नहीं बता सकती पर कल्याण के आसपास ही रहती हूँ, क्योंकि ये ठीक नहीं है यूट्यूब पर इसलिए मैं प्रॉपर एड्रेस तो नहीं बता सकती, पर हाँ मैं कल्याण में ही रहती हूँ। थोड़ा इधर उधर प्रॉपर एड्रेस नहीं बता रही हूँ। फिर मेरे हस्बैंड अच्छी खासी जॉब करते हैं। मैं दिन भर काफ़ी मेरे पास टाइम बचते थे काम के बाद, मैं सोचती थी कहाँ यूज़ करूँ। शादी के बाद जिम्मेदारियाँ रहती हैं इसलिए मैं बाहर नहीं निकल सकी जॉब करने के लिए, इसलिए मैंने ये खोला। मेरी शादी को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, 11वां चल रहे हैं। मेरी बेटी का 9 कंप्लीट हो गया है, 10वां उसका चालू है। उसके बाद मेरे पास थोड़ा टाइम बचा तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोग से बातें करूँ। आप लोग से सबकी वीडियोस देखती थी तो मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं आप लोग से बातें करूँ, इसलिए मैंने ये चैनल खोला। और आप लोग से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मेरा ये वीडियो जो भी देखे प्लीज़ मेरा ये वीडियो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। हाँ, और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग को क्या देखना है, उस सब मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे अंदर जो भी थोड़े बहुत टैलेंट है वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग को क्या देखना है, मेरी कुकिंग देखना है, मेरा भजन देखना है, मेरी बेटी का डांस देखना है, वो मैं दिखाऊँगी आपको। अभी नया चैनल है इसलिए थोड़ा ब्लॉगिंग करना प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरी जॉइंट फैमिली है इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जो भी जॉइंट फैमिली में होगा वो समझ सकता है कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ी लिमिट में रहना पड़ता है, प्रॉब्लम्स थोड़ी हो जाती हैं पर मैनेज कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड कितने भाई बहन हैं, मेरे हस्बैंड अकेले हैं और 2 ननद लोग हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, उन लोग की शादी हो गई, लोकल ही हुआ है, आती जाती रहती हैं लोग। और मेरी बड़ी ननद के घर का पूजा होने वाला है, मैं वो ब्लॉग्स आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी, उनका बहुत अच्छा फ्लैट है। अभी 26
जुलाई को है। मैं आपको वीडियो दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी, मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको और ब्लॉग्स देखकर आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करूँगी कि पूरा दिखाऊँ वो वीडियो, मेरी बेटी शूट करती है तो इसके लिए वो पूरा कोशिश करेगी कि आप लोग को पूरा वीडियो दिखाए। और रही मेरी बात, तो मेरे मायके की मैं बात बता रही हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे दो भाई हैं और मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। मेरा मायका बनारस यूपी में काशी विश्वनाथ जी की नगरी है। कभी जाऊंगी तो वहाँ के भी दर्शन आपको कराऊंगी, वहाँ की नगरी दिखाऊंगी। जल्दी जाना नहीं हो पाता है, साल भर में एक बार जाती हूँ, बहुत दूर, काफ़ी दूर है, इसके लिए नहीं जा पाती हूँ। और मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, मम्मी पापा दोनों, मैं अपनी मम्मी से ज़्यादा क्लोज हूँ, पापा से भी हूँ, पापा मम्मी दोनों से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। पर बोलते हैं ना लड़कियाँ हर बात शेयर करती हूँ, मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, इसलिए मम्मी से हर बातें शेयर करती हूँ। मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं और मेरा एक क्यूट सा भतीजा है, उसका आपने बर्थडे था 17 तारीख को, मैंने पिक्स लगाई हुई है भजन में, उसको देख लीजिए, बहुत नट करती मेरा भतीजा। कभी आप लोग को उसको भी दिखाने का मौका मिलेगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, बहुत बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। बोलते हैं कि भाई भतीजे को देख कर मन को सुकून मिलता है, वो चीज़ें उसको देख कर मिलती हैं। मेरी बेटी को बहुत पसंद करता है, दीदी दीदी करता रहता है, बहुत उसको बहुत ज़्यादा मिस करता है। हम लोग का जल्दी नहीं हो पाता है जाना, इसलिए बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उसको हम लोग। ये तो हो गई मेरी बात, मैं आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ पर आप लोग से मुझे ढेर सारी बातें करनी थी, आप लोग के साथ बहुत सारा हर चीज़ जो भी मेरे अंदर टैलेंट है वो मैं शेयर करना चाहती थी आपसे, इसलिए आपसे थ्रू जुड़ी मैं, यूट्यूब के थ्रू जुड़ी मैं आप लोग से। सबका वीडियोस देखती थी तो मुझे भी लगता था कि नहीं मैं आप लोग से बातें करूं, आप लोग का जो भी मेरे अंदर टैलेंट है वो मैं आप लोग को दिखाऊं। मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, ढोलक बजाने का बहुत शौक है, इसके लिए मैं ये यूट्यूब का चैनल मैंने बनाया। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कोई भी आप गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।